नमस्कार दोस्तों, हिंदी टेक मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फूड लाइसेंस ऑनलाइन जाकर घर बैठे कैसे बना सकते हैं उसके बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, आप जब भी कोई खान पान से संबंधित व्यापार स्टार्ट करते हो तो आपको दोस्तों फूड लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है। जैसे कि किराने का शॉप हो, रेस्टोरेंट या होटल्स, किसी भी बिजनेस के लिए इन सब से रिलेटेड आपको फूड लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है। तो चलते हैं दोस्तों, फूड लाइसेंस ऑनलाइन कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं गूगल क्रोम ब्राउज़र, और यहाँ पर दोस्तों हम ऑफिशियल साइट का जो लिंक है फूड लाइसेंस का, उसे हम ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको चाहिए तो ऑफिशियल साइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डालकर रख देंगे, आप उसे भी डायरेक्टली ओपन करके अपना फूड लाइसेंस ऑनलाइन जाकर आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम ऑफिशियल साइट का लिंक ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से FSSAI का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ जाता है। जैसे कि दोस्तों, हमें FSSAI लाइसेंस मतलब कि फूड लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। उसके लिए दोस्तों हम नीचे की तरफ थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शंस हमें शो कर रहे हैं, जिसमें से दोस्तों पहला ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई लाइसेंस / रजिस्ट्रेशन फीस ₹100 to ₹7,500 पर ईयर। मतलब कि दोस्तों, हमें लाइसेंस अप्लाई करने के लिए पहला जो ऑप्शन दिख रहा है, इसी ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होता है। और साथ में दोस्तों यहां पर देखिए नीचे फ़ीस भी मेंशन किया गया है। यहां पर फीस लिखा गया दोस्तों ₹100 to ₹7,500 पर ईयर। यहाँ पर दोस्तों तीन कैटेगरी हैं जिसके अलग अलग चार्जेस हैं। पहला दोस्तों बेसिक लाइसेंस होता है जिसका ₹100 पर ईयर फीस होता है, दूसरा स्टेट लाइसेंस होता है, और तीसरा दोस्तों सेंट्रल लाइसेंस होता है जिसका सबसे ज़्यादा फीस होता है। ठीक है, तो फिलहाल हम दोस्तों बेसिक लाइसेंस के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो उसके लिए दोस्तों चलते हैं हम अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे हम अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो पहला जो ऑप्शन यहाँ पर दिखता है हमारे सामने, देखिए अप्लाई फॉर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, एंड सेकंड नंबर पे देखिए लिखा है अप्लाई फॉर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन रेलवेज, और थर्ड पे लिखा है दोस्तों अप्लाई फॉर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन एयरपोर्ट और सी पोर्ट। ठीक है, तो हमें फ़िलहाल दोस्तों रेस्टोरेंट और किराना शॉप के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए दोस्तों हम फर्स्ट ऑप्शन जो है उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ही हम अप्लाई फॉर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से विंडो ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर देखिए हमें स्टेट सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो स्टेट है उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए काइंड ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, जिसमें दोस्तों पहला ऑप्शन है मैन्युफैक्चरर, एंड सेकंड है ट्रेड और रिटेल, एंड थर्ड है दोस्तों फूड सर्विसेज, ठीक है, और गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज हेड ऑफिस। तो जैसा कि दोस्तों हमारा जो बिजनेस है वो रिटेल बिजनेस है दोस्तों, छोटा बिजनेस है, तो उसके लिए दोस्तों हम सेकंड नंबर पर जो ऑप्शन दिख रहा है ट्रेड और रिटेल, इसी ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं और नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं और हमारा जो बिजनेस है उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों हमारा बिजनेस है रिटेलर का, तो रिटेलर का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर हम प्लस कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे हम प्लस बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए यहाँ पर टर्नओवर पूछा जा रहा है, तो हमारा जो रिटेलर का बिजनेस है वो टर्नओवर कितना है। जैसे कि यहाँ पर हम टर्नओवर सेलेक्ट कर लिए, 12 लाख पर ईयर टर्नओवर है, उसे हम सेलेक्ट करने के बाद नीचे देखिए प्रोसीड बटन है, उस पर हम क्लिक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे ही हम कैटेगरी और टर्नओवर सेलेक्ट करके आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमें कौन सा लाइसेंस लेना पड़ेगा उसके लिए यहाँ पर लिख कर आ गया है। यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन ओनली दिखा रहा है, मतलब कि दोस्तों हमें बेसिक लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ प्रोसीड कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे हम आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं तो हमारा जो इन्फॉर्मेशन है बिजनेस का वो फिल करने के लिए बोला जा रहा है, तो चलते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारा बिजनेस इन्फॉर्मेशन फिल कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर पूछा गया है नेम ऑफ एप्लीकेंट और कंपनी। यहाँ पर दोस्तों आप अपना खुद का भी अगर नाम डालना है वो भी डाल सकते हो, अदरवाइज अपना कंपनी नेम भी यहाँ पर आप फिल कर सकते हो। उसके बाद चलते हैं दोस्तों नीचे की तरफ, और यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर पर डिजिग्नेशन पूछा गया है। दोस्तों, आपका बिजनेस डिजिग्नेशन क्या है, यहाँ पर आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारा जो बिज़नेस है वो प्रोपराइटर है, तो हम यहाँ पर प्रोपराइटर सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपका दोस्तों कोई और कैटेगरी है बिजनेस का, वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पर प्रोपराइटर सेलेक्ट कर लिया और नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर देखिए एड्रेस ऑफ प्रेमाइसिस वेयर फूड बिजनेस इज लोकेटेड, मतलब कि दोस्तों आपका जो फूड बिजनेस है वो कौन से एरिया में है उसका प्रॉपर यहाँ पर एड्रेस फिल कर देना है। ठीक है, ध्यान रहे दोस्तों ये एड्रेस हमें प्रॉपर यहाँ पे टाइप करना है, जो भी हमारे एड्रेस प्रूफ पर मेंशन हो वही एड्रेस यहाँ पर हमें फिल करना है।
क्योंकि दोस्तों अगर एड्रेस मिसमैच होता है तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट होने के चांसेस में चला जाता है। जैसा कि दोस्तों एड्रेस हमने यहाँ पर प्रॉपर फिल कर लिया है एज़ पर डॉक्यूमेंट, उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इज़ योर करेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम एज़ एड्रेस ऑफ प्रीमाइसिस, मतलब कि दोस्तों अगर आपका करेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आपको यस पर क्लिक कर देना है, अगर सेम नहीं तो आपको नो पर क्लिक करके आपको नीचे की तरफ करेस्पॉन्डेंस एड्रेस प्रॉपरली फिल कर लेना है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों हमारा करेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो हम यस पर क्लिक कर लिए और नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल में, तो कॉन्टैक्ट डिटेल में यहाँ पर दोस्तों हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर प्रॉपर फिल कर लेते हैं, और अभी फ़िलहाल हमारे पास जो भी ईमेल आईडी है वो भी यहाँ पर फिल कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट पर्सन का ऑप्शन दिख रहा है, कॉन्टैक्ट पर्सन में दोस्तों ओनर डिटेल फिल करना होता है, तो आधार कार्ड पर जो भी ओनर का नाम है वो यहाँ पर हमें फिल करना होता है, तो चलते दोस्तों वो नाम भी यहाँ पर फिल कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर ईयर यू वांट टू अप्लाई फॉर, मतलब कि दोस्तों आप लाइसेंस कितने साल के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। पर ईयर आपको 100 रुपीज़ चार्ज होता है तो ये भी यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नीचे की तरफ चलते दोस्तों, यहाँ पर देखिए नेम ऑफ फूड कैटेगरी हमें सेलेक्ट करना होता है, आपको दोस्तों यहाँ पर आपका फूड कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पर 100 नंबर वाला जो कैटेगरी उसे हम सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि इसमें दोस्तों 1 से लेकर 14 तक जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं वो सारे आ जाते हैं, ठीक है, उसे हमने सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही दोस्तों उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर राइट साइड में सेव एंड ऐड का ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, उस पर क्लिक कर लेते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप और भी कैटेगरी यहाँ पर ऐड कर सकते हो, जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर प्रिपेयर्ड फूड का जो कैटेगरी दिख रहा है उसे भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं और सेव एंड ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आपके फूड प्रोडक्ट से संबंधित जितने भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं वो सारे ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, जैसा कि दोस्तों हमने भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ चलते हैं और यहाँ पर देखिए फूड सेफ्टी मित्रा डिटेल इफ़ एप्लीकेबल, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर फूड सेफ्टी मित्रा अगर कोई है तो उसे अपना डिटेल फिल करना होता है, अदरवाइज इसे आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों अदर डिटेल में, यहाँ पर देखिए इन केस ऑफ बिजनेस इंटेंडेड डेट ऑफ स्टार्ट, मतलब कि दोस्तों अगर आपका बिजनेस फ्यूचर में स्टार्ट होने वाला है तो वो भी डेट आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप करेंट डेट भी आप फिल कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें से आपको कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, जैसे कि दोस्तों पब्लिक प्राइवेट अदर और नॉट अवेलेबल, तो जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पर पब्लिक सेलेक्ट कर दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पर वेदर एनी इलेक्ट्रिक पावर इन यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड आइटम, मतलब कि दोस्तों आपके फूड आइटम प्रिपेयर करने के लिए कोई इलेक्ट्रिक यूज होता है तो आप यहां पर यस सेलेक्ट करेंगे। यस सेलेक्ट करने के बाद आपको एचपी कितना यूज होता है वो भी आपको फिल करना होता है, जैसे कि दोस्तों हमारे बिजनेस में ऐसा कुछ यूज नहीं होता है तो हम यहां पर नो सेलेक्ट कर देते हैं और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए साइन अप डिटेल फिल करना होता है, तो यहाँ पर साइन अप डिटेल में हमारा मोबाइल नंबर ईमेल आईडी ये सारी डिटेल्स हमें फिल करने होते हैं। चलते दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन ईमेल आईडी का दिख रहा है तो यहाँ पर हम ईमेल आईडी फिल कर लेते हैं, उसके बाद मोबाइल नंबर भी यहाँ पर फिल कर लेते हैं, और मोबाइल नंबर बिलोंग्स टू सेल्फ मतलब कि दोस्तों हमारा ही है तो यहाँ पर हम सेल्फ सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेकेंडरी कॉन्टेक्ट डिटेल अगर कोई फिल करना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर फिल करने के लिए, अदरवाइज इसे आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। ध्यान रहे दोस्तों यहाँ पर जितने भी स्टार मार्क्स दिख रहे हैं वो मैंडेटरी हैं, अगर किसी ऑप्शन पर आपको स्टार मार्क्स नहीं दिख रहे हैं रेड कलर में वो मैंडेटरी नहीं है, उसे आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन आईडी यहाँ पर ऑटोमेटिक दिख रहा है, तो नीचे हम चलते हैं पासवर्ड भी फिल कर लेते हैं। दोस्तों पासवर्ड फिल करने के बाद आपको एक जगह लिख कर भी रख लेना है, और फिर यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है, तो चलते दोस्तों यहाँ पर हम कैप्चा भी अच्छे से फिल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पर कुछ मिस्टेक किए थे, यहाँ पर जो सेकेंडरी कॉन्टेक्ट डिटेल फिल किया था वो बिलोंग्स टू यहाँ पर स्पाउस सेलेक्ट करना था, वो हमने सेलेक्ट नहीं किया था, वो भी सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने कैप्चा भी फिल कर लिया है, तो नीचे की तरफ चलते हैं और सबमिट बटन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे दिए गए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज दिया जाता है, ठीक है। तो चलते दोस्तों हमारे ईमेल आईडी और मोबाइल पर ओटीपी चेक कर लेते हैं और ओटीपी यहां पर हम फिल कर लेते हैं, ठीक है। जैसा कि दोस्तों ओटीपी हमने यहां पर प्रॉपरली फिल कर लिया है, ओटीपी फिल करने के बाद नीचे देखिए सबमिट बटन दिख रहा है दोस्तों, तो सबमिट बटन पर हम क्लिक कर लेते हैं।
दोस्तों जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो ऊपर देखिए लिख कर आ गया है यूजर साइन अप सक्सेसफुली, मतलब कि दोस्तों हमने सक्सेसफुली साइन अप कर लिया है। अभी दोस्तों हम नीचे देखिए ओके बटन दिख रहा है, ओके बटन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे हम ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से विंडो ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर देखिए हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। उसके पहले दोस्तों ऊपर देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें दोस्तों हमें डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से अपलोड करना है, उसका साइज़ और जो फॉर्मेट है वो सब यहाँ पर लिखा है दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, ठीक है। यहाँ पर पहले ऑप्शन पर देखिए दोस्तों फ़ोटो अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, तो मतलब कि दोस्तों यहाँ पर हमें ओनर का फ़ोटो अपलोड करना है। तो चलते दोस्तों चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं और ओनर का जो पिक है उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और अपलोड कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों हमारा जो फ़ोटो है ओनर का वो हमने अपलोड कर दिया है। और यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ में यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं दोस्तों, उसमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करके हमें अपलोड कर देना है। जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट किया है और आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं और उसे हम अपलोड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पर नीचे देखिए अदर डॉक्यूमेंट है, अदर डॉक्यूमेंट में यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर प्रूफ ऑफ प्रीमाइसेस, मतलब कि दोस्तों आप जिस जगह पर आप बिज़नेस कर रहे हो, मतलब कि आपने जो एड्रेस फिल किया है उसी एड्रेस का आपको यहाँ पर प्रूफ अपलोड करना है। जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पर लाइट बिल सेलेक्ट किया है और उसे हमने अपलोड कर दिया, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है वो अपलोड कर सकते हो, जैसे कि आप प्रूफ ऑफ प्रीमाइसेस में लाइट बिल अपलोड कर सकते हो या तो रेंट एग्रीमेंट अपलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एनी अदर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं और पैन कार्ड लिख देते हैं, और पैन कार्ड लिखने के बाद हमारा पैन कार्ड अपलोड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर एक और एनी अदर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर हम एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है दोस्तों, ठीक है, उसे हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। अगर आपको चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में वो फॉर्म हम रख देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके उसे आप खुद फिल कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हमने सेल्फ डिक्लेरेशन लिख दिया, ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन लिखने के बाद यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक कर लेते हैं और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हमने जो फिल करके रखा है वो भी हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों हमारा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, पैन कार्ड, प्रूफ ऑफ प्रीमाइसेस, आइडेंटिटी प्रूफ और फोटो, इतना डॉक्यूमेंट हमने दोस्तों अपलोड कर दिया है। वैसे तो दोस्तों हमने इतना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, फूड लाइसेंस के लिए इतना डॉक्यूमेंट काफ़ी होता है। और आपके पास अगर और भी डॉक्यूमेंट्स है जैसे हेल्थ ओनरशिप वगैरह, वो भी आप अपलोड कर सकते हो, आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा दोस्तों। तो हमारे पास नहीं तो दोस्तों हम उसे नहीं अपलोड करते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर डिक्लेरेशन देना होता है, तो दोस्तों हम यहाँ पर टिक कर लेते हैं और फिर नीचे की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करना होता है पेमेंट करने के लिए, और हमें दोस्तों टोटल देखिए 100 रुपीज़ पे करना है बेसिक लाइसेंस के लिए। उसके बाद दोस्तों प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके हमने जो अभी एप्लीकेशन फिल किया है, बराबर फिल किया है नहीं, उसे अच्छे से देख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पर देख लिया हमारा जो एप्लीकेशन है हमने प्रॉपर फिल किया है, ठीक है। तो आप भी अच्छे से इस तरीके से आप सबमिट करने के पहले वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट करने के लिए दोस्तों पे बटन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे हम पे बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से विंडो ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों पेमेंट करने के लिए हमारे सामने कुछ इस तरीके से काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। जैसे कि दोस्तों हमें UPI के थ्रू पेमेंट करना है तो हम यहाँ पर UPI का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। आप लोगों को चाहिए अगर दोस्तों तो आप डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों हमने UPI ID सेलेक्ट किया है, तो चलते दोस्तों यहाँ पर हम UPI ID फिल कर लेते हैं। UPI ID फिल करने के बाद दोस्तों पे नाउ के बटन पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। तो चलते दोस्तों यहाँ पर हम UPI ID अच्छे से फिल कर लेते हैं। UPI ID जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पर फिल कर लिया, अभी चलते हैं दोस्तों पे नाउ बटन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही हम पे नाउ बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए कुछ इस तरीके से फीस ब्रेकअप लिखकर आ जाता है। फीस ब्रेकअप में यहाँ पर देखिए 100 रुपीज़ पे करने के लिए बोल रहा है, तो पे बटन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे हम पे बटन पर क्लिक करते हैं हमारे पेटीएम पर दोस्तों 100 रुपीज़ पे करने के लिए नोटिफिकेशन आ गया है। तो चलते दोस्तों नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेते हैं और 100 रुपीज़ का पेमेंट सक्सेसफुली कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप जिस भी कंपनी का UPI ID फिल करते हैं उसी कंपनी के एप्लीकेशन पर आपको पेमेंट का नोटिफिकेशन चला जाता है। जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पर पेटीएम का UPI ID फिल किया था तो हमारे पेटीएम एप्लीकेशन पे पेमेंट का नोटिफिकेशन आ गया है। जैसे कि दोस्तों पेमेंट हमने सक्सेसफुली कर दिया है। दोस्तों जैसे हमने सक्सेसफुली पेमेंट किया
हमारे सामने कुछ इस तरीके से देखिए एप्लीकेशन रिसिप्ट बनकर आ गया है। ठीक है, अभी दोस्तों इस रिसिप्ट का हम प्रिंट निकाल कर रख देते हैं, क्योंकि दोस्तों हमें एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी जब भी हम हमारा लाइसेंस डाउनलोड करने के लिए जाएंगे। ठीक है, तो चलते दोस्तों इसका हम प्रिंट निकाल कर रख लेते हैं। दोस्तों एप्लीकेशन फिल करने के बाद हमें करीब 10 से 15 दिन वेट करना होता है हमारे सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए। तो चलते दोस्तों अभी हम सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताने वाले हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम होम पर क्लिक कर लेते हैं। अभी दोस्तों हम FSSAI की वेबसाइट की होम पेज पर आ चुके हैं। अभी एप्लीकेशन ट्रैक करने के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए इंटर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर हमारे जो स्लिपर एप्लीकेशन नंबर लिखा है उसे हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल करने के बाद दोस्तों नीचे कैप्चा भी अच्छे से फिल कर लेते हैं और सबमिट बटन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों एप्लीकेशन नंबर और कैप्चा फिल करने के बाद जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो एप्लीकेशन का स्टेटस है वो ओपन होकर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन देख सकते हैं दोस्तों, स्टेज वन प्रोसेसिंग टू बी इनिशिएटेड, मतलब कि दोस्तों अभी जस्ट हमने प्रोसेसिंग के लिए इनिशिएट किया है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों फॉर एनी फर्दर प्रोसेसिंग क्लिक हियर एंड लॉगिन। उस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पर देखिए हमसे एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर दोबारा से फिल करने के लिए बोला जा रहा था। दोस्तों चलते हैं यहाँ पर हम लॉगिन करके भी देख लेते हैं कि हमारा एप्लीकेशन स्टेटस क्या दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर दोबारा से फिल कर लेते हैं और प्रोसीड बटन पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों हमसे पासवर्ड पूछा जा रहा है, तो हमारा जो पासवर्ड हमने सेट किया था उसे हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं और नीचे कैप्चा फिल करने के बाद साइन इन बटन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही हम साइन इन बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से विंडो ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर देखिए डैशबोर्ड पर काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, सबमिटेड एप्लीकेशन विद सक्सेसफुल पेमेंट और रिवर्टेड एप्लीकेशन बाय अथॉरिटी इश्यूड, मतलब कि दोस्तों हमारा अगर लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा तो यहाँ पर लास्ट जो ऑप्शन दिख रहा है इश्यूड इस पर दिख जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। अभी दोस्तों हमने जैसे सबमिटेड एप्लीकेशन विद सक्सेसफुल पेमेंट पे क्लिक किया, यहाँ पर देखिए हमारा जो अभी हमने एप्लीकेशन सबमिट किया उसका जो स्टेटस यहाँ पर देखिए दिखा रहा है स्टेज वन प्रोसेसिंग टू बी इनिशिएटेड। ठीक है, तो जब भी आपका लाइसेंस सक्सेसफुली इशू हो जाता है तो आप इशू बटन पे क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ देखेंगे, यहाँ पर जो अभी नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है यहाँ पर आपका लाइसेंस शो कर देगा। आप यहाँ से आप अपना लाइसेंस डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के आपके बिजनेस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों कभी कभी क्या होता है, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट की वजह से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके लिए दोस्तों आपको सबमिटेड एप्लीकेशन विद सक्सेसफुल पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और स्टेटस के ऑप्शन पर यहाँ पर जो भी स्टेटस रहेगा वो लिख कर आएगा। आगे एक्शन के ऑप्शन पर आपको जो व्यू रिसिप्ट दिख रहा है वहाँ पर आपको दोस्तों प्रोसीड बटन दिखेगा। आगे की तरफ प्रोसीड करने के बाद आपको इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करना होता है और ध्यान रहे दोस्तों ये 15 दिन के अंदर ही करना होता है, अदरवाइज़ वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप अपने फूड बिजनेस के लिए घर बैठे फूड लाइसेंस बना सकते हैं। जानकारी कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हाँ दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ चलते हैं दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं ऐसे ही किसी और जानकारी भरी वीडियो के साथ।